उधमपुर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने चेनानी क्षेत्र में डॉक्टर्स ऑन व्हील्स टेलीमेडिसिन सेवा का शुभारंभ किया। इस पर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अपनी तरह का पहला प्रयोग है, यह हमारा तीसरा या चौथा चरण है। सबसे पहले इसकी शुरुआत डोडा जिले में हुई थी, इसमें एक डॉक्टर भी है और उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित डॉक्टर भी है, ताकि गाँव का कोई भी व्यक्ति जिस भाषा में बोलता है उसी भाषा में जवाब पा सके। हमने इसे सेवा की भावना से शुरू किया है। मुझे लगता है कि अपनी तरह का एक पहला प्रयोग है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, देश में, और उत्तर भारत में तो यकीन पहला। ये आज हमारा तीसरा या चौथा फेज है। सबसे पहले से डोडा जिला के उन दूर दराज के क्षेत्रों में डुड्डू, गंडोह इत्यादि, जहाँ पर पे बहुत अधिक इलाज की सुविधाएं या स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं थी, उसके उपरांत बिलावर की अपर रीचेस में जाना हुआ, डुड्डू बसंतगढ़ की ओर, और अब यहाँ चेनानी से इसका प्रारंभ किया गया। आधुनिक ढंग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन ये सुविधा है, जिसका नाम रखा गया डॉक्टर ऑन व्हील्स। इसमें एक डॉक्टर तो रहती हैं, साथ साथ उनके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन भी डॉक्टर रहती हैं, ताकि भाषा की बाधा को लांग करके कोई भी व्यक्ति देहात का किसी भी भाषा में बात करे, उसको उसी भाषा में उसका उत्तर दिया जाता है, उसको समझने का भी एक पूरा उसमें अरेंजमेंट सॉफ्टवेयर है। और फिर पूरे जिस्म की जांच करने के उपरांत 3-4 देश के प्रमुख अस्पतालों के साथ इनका कनेक्ट कर दिया गया है। संबंधित सुपर स्पेशलिस्ट के साथ मशवरा करके 45-50 मिनट में उनको वो नुस्खा उपलब्ध हो जाता है, जो शायद किसी कॉरपोरेट अस्पताल में जाकर के हासिल करना हो तो कई दिन की अपॉइंटमेंट में लग जाते हैं और कई हज़ारों रुपये उसमें खर्च। ये हमने एक तरह का कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक सेवा भाव से फिलान्थ्रोपी के रूप में साधनों की व्यवस्था करके इस प्रकार का एक क्रम प्राय